वेलकम टू हिस्टोरिकल कुतुब मीनार। वेलकम बैक, मैं हूं प्रशांत और आज मैं आपको इतिहास के पन्नों में लेके चलने वाला हूं, क्योंकि आज मैं खड़ा हूं अभी जिस जगह पर, वो दिल्ली का मेहरौली एरिया है और इस मॉन्यूमेंट का नाम है कुतुब मीनार। तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि कितना हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट के पास खड़े हैं और आज के डेट में कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के द्वारा इसको हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में ऐसे अनेक सारी दूसरी धरोहरें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। तो कुतुब मीनार के अलावा इसमें जितनी भी धरोहर हैं वो मैं आपको घुमाने वाला हूं और वे कब डेवलप किए गए उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो मीनार पीछे आपको दिख रही है मेरे, इसकी जो हाइट है वो है लगभग 73 मीटर, यानी कि अगर फीट में हम लोग बात करें तो 240 मीटर्स। तो लगभग अगर मेरी लंबाई की बात करें तो 5'10", तो मेरे से लगभग मोर देन 40 टाइम्स मोर हाइट इज़ देयर ऑफ दिस मिनरेट। और फ्रेंड, ये जो मिनरेट है इसको अफ़गानिस्तान स्ट्रक्चर, अफ़गानिस्तान के आर्किटेक्चर के बेस पे इसको डेवलप किया गया और उसको आज भी मेंटेन किया गया है। तो ये लगभग जो मुगल्स के द्वारा जो डेवलप किया गया वो 12th century था, लेकिन उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी इसको डेवलप किया गया था आज से लगभग 1700 years back। तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना जगह है ये। उस समय यह मंदिर का बेस होता था और यहाँ पे आयरन पिलर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो लौह स्तंभ है यहाँ पर वो इस्टेब्लिश किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और उसके बाद मुगल्स के द्वारा यहाँ पे काफ़ी दूसरी धरोहरें, मोनूमेंट्स वगैरह वो सब जो हैं डेवलप किए गए। कुछ उसमें पूरे हुए, कुछ अधूरे भी रह गए। जो अलाउद्दीन खिलजी का अलाई मीनार है वो तो इसे डबल बनाना चाहा उन्होंने कुतुब मीनार से, लेकिन वो बन नहीं पाया और इसके पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो वो अधूरा ही रह गया। तो दोस्तों आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और इसके और भी काफ़ी इतिहास के बारे में हम लोग संभालेंगे थोड़ा, और आपको आसपास के एरिया को भी मैं घुमाने वाला हूँ कुतुब मीनार के, कि अंदर इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप एंजॉय करते रहिए, घूमते रहिए मेरे साथ और अपने नॉलेज को भी अपडेट करते रहिए। मैं मेट्रो से निकल चुका हूँ मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार के लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए। लगभग दिन के 1 बज रहे हैं और मेरे मेट्रो में कोई ज़्यादा रश नहीं है और ये स्टेशन मेरी ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है और डोर भी खुल चुका है। दोस्तों मैं उतर चुका हूँ मेट्रो से क्योंकि मेरा स्टेशन आ चुका है और मैं बढ़ता हूँ अब कुतुब मीनार की ओर। दोस्तों कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है कुतुब मीनार, और वहाँ के लिए आप यहाँ से वॉक भी कर सकते हैं, आपको 12-15 मिनट्स लगेंगे, या फिर आप ऑटो वगैरह ले सकते हैं। ये रहा कुतुब मीनार, यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं। मैं चल के टिकट ले लेता हूँ अंदर एंट्री के लिए। टिकट काउंटर बिल्कुल सामने। टिकट फॉरेन विजिटर 600, इंडियन विजिटर 40 रुपीज। ये टिकट ले ली है मैंने, अब मैं बढ़ता हूँ मॉन्यूमेंट की ओर। अभी दिल्ली में काफ़ी गर्मी है
अंदर चलने के पहले शिकंजी पीकर थोड़ी ठंडक बना लें। सोडे के साथ, वाव बबली। टिकट लेने के बाद रोड के बिल्कुल उस साइड देखिए एंट्रेंस है, वहाँ पे रोड के उस पार तो मैं चलता हूँ वहाँ। के अलग अलग लाइन बने हुए हैं दोस्तों, वहाँ तो काफ़ी हाई सिक्योरिटी है, उन्होंने मेरी माइक भी वहाँ पे जमा करा ली है और अब मैं ये ब्लॉग शूट करने वाला हूँ कैमरा के माइक से ही। और देखिए एंट्री करते ही मुगल गार्डन, मुगल मॉस्क, मुगल सराय, और यहाँ से देखिए वो रहा कुतुब मीनार, 5-स्टोरीड मॉन्यूमेंट, काफ़ी लंबा मिनरेट है ये। यहाँ से एंटर करते ही एक बड़ा सा लॉन है ये लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मीनार मॉन्यूमेंट्स के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। यह अदर मॉन्यूमेंट्स, ओके, तो काफ़ी सारा यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है और इसीलिए इसको इट्स आल्सो कॉल्ड एज कुतुब कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो पूरी हिस्ट्री है, आप चाहे तो काफ़ी टाइम लगा के इन सबको पढ़ सकते हैं। और मीनार यहाँ से भी काफ़ी दूर है, आई थिंक 7-8 मिनट्स लगेंगे वॉक करने में। दोस्तों यहाँ तो घूमने में बहुत ही मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी ग्रीनरीज यहाँ पे आपको दिख रही होंगी मेरे पीछे बैकग्राउंड में। ये वो जगह है जहाँ पे मेनली फोटोग्राफिंग की जाती है और जैसा आप देख ही रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पे फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। यहाँ कुतुब मीनार तो है ही दोस्तों, इसके साथ में देखिए इस कॉम्प्लेक्स में कुवतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, इमाम जामिन का मकबरा जो उस साइड है। ट्वेल्थ सेंचुरी से बना हुआ यह मॉन्यूमेंट्स, वैसे तो इसमें टूट फूट होती रहती है और साथ ही साथ ये मरम्मत के काम भी चलते रहते हैं, तभी तो इसको आज तक मेंटेन किया गया है। आयरन पिलर 4th century AD, ओके, चलिए देखते हैं इस आयरन पिलर में, और शायद एक चीज़ खास भी है उसमें, वही वो सामने दिख रहा है, चलते हैं वहाँ। और उसमें खास बात यह है कि इसमें कभी रस्ट नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है वहाँ बताऊँगा मैं। ये है दोस्तों वो आयरन पिलर जिस पर रस्ट नहीं लगता है। इस आयरन पिलर पे रस्ट नहीं लगने का कारण ये है कि इस पर फॉस्फोरस का प्रोटेक्टिव फिल्म लगा हुआ है, इस कारण ये सालों साल और सदियों तक चलता आ रहा है। क्योंकि आयरन पिलर 4th century AD जैसा कि बताया मैंने, उस समय इस्टेब्लिश किया गया था राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर हिंदू कलाकृतियों का विशिष्ट नमूना। ये देखिए 4th century में देवी देवताओं की जो कलाकृतियां हैं वो यहाँ पे बनाई हुई हैं। बच्चे भी एंजॉय करते हुए। मैं आपको कुतुब मीनार दिखाता हूँ दोस्तों। ये कुतुब मीनार का मिनरेट जो अफगानिस्तान आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ये टोटल 5-स्टोरीड है और अगर आप देखेंगे तो इसके सबसे निचले बेस में बिल्कुल सामने दिख रहा है ये यहाँ पर डोर है जो 1974 तक खुली होती थी और टूरिस्ट इसमें ऊपर तक भी जाते थे, तीसरी मंजिल तक। और इस 5 स्टोरी में
थ्री स्टोरी तक तो ये रेड स्टोन से बना हुआ है, उसके ऊपर ये मार्बल से बना हुआ है, और उसके ऊपर ये मार्बल और सैंड स्टोन दोनों से मिल के बना हुआ है। तो मैं 1974 के बारे में बता रहा था, उस समय लाइट जाने के कारण अंदर लगभग 400 टूरिस्ट थे, विजिटर्स थे, और वहाँ स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची और काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी। तो उस ट्रेजिक इवेंट के बाद इस डोर को बंद कर दिया गया। अब आज के डेट में हमारी एक्सेस इस रिंग तक है, हम इस रिंग तक आ सकते हैं, और इस डोर को बंद कर दिया गया हमेशा के लिए टूरिस्ट के लिए। दोस्तों, इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में चारों ओर ही काफ़ी बड़ा एरिया है, जिसमें से कुछ तो ग्रीन लॉन्स के रूप में डेवलप किए गए हैं और कुछ और भी दूसरी इमारतें हैं, और वे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा अप्रूव किया हुआ है, और ये तो हजारों साल से ऐसे ही है। ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स को घूमने में लगभग लग जाते हैं 1.5 से 2 घंटे, तो अभी जब भी आएँ तो 2 घंटे का टाइम लेकर आएँ, ताकि आप अच्छे से यहाँ पर घूम सकें और एंजॉय कर सकें, और अपने इतिहास के बारे में जानने का आपको पूरा मौका मिले, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कुतुब कॉम्प्लेक्स के दूसरे कॉर्नर्स में, जहाँ पर कुछ और भी मोनूमेंट्स हैं। वहाँ चलते हैं, वो बिल्कुल सर्कुलर पैटर्न में बना हुआ मॉन्यूमेंट। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ अलाई मीनार। अलाई मीनार 1311 ईस्वी। तो इसे, इस मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनाने का निश्चय किया था, और इसको लगभग डबल द हाइट, जो अभी कुतुब मीनार है उसके डबल हाइट का, तो उसकी भी हाइट है 73 मीटर्स और 240 फीट, उसे डबल उसको बनाना था, लेकिन ये 24.5 फीट ही बन पाया, और अलाउद्दीन खिलजी का डेथ हो गया, उसके बाद से ये काम अधूरा ही रह गया। ये तो ये है अलाई मंदिर, इसलिए इसका नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर किया गया है। इल्तुतमिश का मकबरा, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश टॉम्ब से अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उधर सामने क्या क्या है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, जितना कभी अपने स्कूलिंग में हमने पढ़ाई नहीं की हिस्ट्री के बारे में, उतना मैं आज जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स को घूमने में एक अपना अलग ही आनंद है। हिस्ट्री नॉलेज के साथ साथ आपको ग्रीनरी की जो यहाँ पे शुद्ध हवाएं हैं वो भी मिल रही है, और टूरिस्ट भी एंजॉय करते हुए और नॉलेज अपडेट करते हुए। खिलजी का मदरसा, खिलजी टॉम्ब। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी के मकबरा की ओर। यह है मुगल का क्रूरतम शासक अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, कब्र, और इस मकबरे के साथ ही है यह काफी बड़ा सा लॉन। और इस लोन में टूरिस्ट काफ़ी एंजॉय करते हुए, जो थक गए हैं वो थोड़ी रेस्ट भी ले रहे हैं। बच्चे फुल मस्ती करते हुए,
ये लॉन तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कितने यहाँ पे रंग बिरंगे फ्लावर्स भी हैं चारों ओर, और पेड़ पौधे तो हैं ही, ग्रीनरीज भी हैं, घास का बिल्कुल ग्रास बेड है यहाँ। फ्रेंड्स, इस कुतुब कॉम्प्लेक्स को पूरा कवर करने में लग गए हैं एग्जैक्ट 2 आवर्स, तो आप इतना टाइम लेकर यहाँ पे ज़रूर आएँ। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।